ओ शिवानी तुम जी हाँ शुक्रिया नमस्कार पहचान लिया मुझे आपकी इनायत है पर ना एक घर में अनजान होकर कैसे रहते हैं सिखा दिया आपने मुझे अनजान होकर हाँ आजकल तो मुझे लगता ही नहीं जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ ना तो मैं तुम्हारे ख्वाबों के बारे में जानती हूँ और ना तुम्हारी ख्वाहिश है हाँ, एक चीज जरूर हम दोनों के बीच में कॉमन है वो इस घर की चाबी क्या शायराना अंदाज है लगता है तुम त्यागी को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हो मैं अपना नाम त्यागी रख लूं। देख, बारे में कितना जानती है दोनों के बारे में मैं सोच जरूर रही थी। के बारे में साथ साथ तो नहीं सोचती होगी ना तू अच्छा ये बता दोनों में से किसके बारे में ज्यादा सोचती है तू यही तो परेशानी है शिवानी जो भी उनको जानता है उनके बारे में कभी अलग अलग नहीं सोच सकता उन दोनों का एक दूसरे की जिंदगी पर बहुत असर है एनीवे वे खाए छोड़ त्योहार का हो रहा है लक्षमदा सच बात बताऊं, शुरुआत में तो मुझे त्यागी एक टाइम पास लगता था जिसे वक्त भी अच्छा कर जाता था और दिल भी बहल जाता था बस और कुछ नहीं पर धीरे धीरे अब तो उसके बगैर वक्त गुजारना भी मुश्किल हो गया है अल्लाह कहीं उसके साथ जिंदगी बिताने का इरादा तो नहीं है शायद है शिवानी काश मेरा दिल तेरी तरह होता तो कितना अच्छा होता मेरी तरह हाँ जो कभी सोचता ही नहीं मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा दिल दिमाग का भी काम करने लगता है अरे बाबा प्यार में तुझे इतना क्या सोचना पड़ गया सोचना पड़ता है शिवानी जब भी मैं किसी को बहुत अच्छी तरह समझने लगती हूँ तो उससे बहुत दूर जाने लगती हूँ ऋषभ और करण दोनों बहुत ही उलझी हुई पर्सनैलिटीज है ऋषभ और करण की पर्सनैलिटीज उलझी उनमें क्या परेशानी मुझे तो नजर नहीं आती एक परेशानी है क्या रंजना देवी ये कैसे हो सकता है ऋषभ और करण की परेशानी रंजना देवी कैसे हो सकती है हाँ शिवानी उन दोनों के बीच जो भी नफरत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ रंजना देवी है क्या कह रही हो रक्षंदा वो उनकी माँ है वो ऐसी माँ है जो एक दूसरे के प्यार को कंपेयर करती रहती है और एक दूसरे में कंपटीशन करवाने की कोशिश करती रहती है के लिए और वो दोनों अपना प्यार जताने की कोशिश में लगे रहते हैं ऐसा कहीं हो सकता है क्या रक्षा ऐसा ही हो रहा है शिवानी उन दोनों के लिए रंजना देवी इशू बन चुकी है और ऋषभ और करण के लिए अपना प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि नफरत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चल छोड़ यार नफरत की बातें मोहब्बत की बातें करते हैं तू किसके दिल का इशू बनी हुई है फिलहाल तो कोई भी नहीं ऐसा सितम मत कर यार उन दोनों से किसी एक को तो चुन ले शिवानी मैं जज्बात में बहकर कोई फैसला नहीं करना चाहती ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट